नमस्कार एएस न्यूज, आपका सच में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के शिवम नरसिंह होम की लापरवाही से महिला के पेट में ही बच्चे की मौत की घटना सामने आ रही है। नगर क्षेत्र के ब्रह्मस्थान स्थित बलिया जनपद में तैनात सीएमएस डॉक्टर माधुरी सिंह चलाती है प्राइवेट नर्सिंग होम। महिला के परिजनों ने जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को लिखित शिकायत कर शिवम नर्सिंग होम एवं डॉक्टर माधुरी सिंह के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। बताते चले कि मधुबन थाना क्षेत्र की हटारीपुर ग्राम की विदिशा काल्पनिक नाम की महिला प्रसव पीड़ा के बाद 12 मई को नगर क्षेत्र के शिवम नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां पर नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर माधुरी सिंह बिना अनुभव प्राप्त करने वाली नर्स के भरोसे मरीज को छोड़कर सोने चली गई। वहीं देर रात 1 बजे जब गर्भवती महिला की हालत नाजुक होने लगी और परिजनों ने डॉक्टर को बुलाने की जिद की तो डॉक्टर माधुरी सिंह गर्भवती महिला को देखने नहीं आए। वहीं महिला डॉक्टर ने परिजनों को परेशान न होने और नॉर्मल डिलीवरी की बात कहकर सो गई। वहीं जब सुबह 5 बजे नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर माधुरी सिंह ने गर्भवती महिला की पड़ताल की तो उनको पता चला कि गर्भ में बच्चे की मौत हो गई है। डॉक्टर माधुरी सिंह ने सारी हदें पार करने के साथ क्रूरता दिखाते हुए गर्भवती महिला को अपने निजी अस्पताल में सुविधा न होने का हवाला देते हुए कहीं अन्य अस्पताल ले जाने की सलाह दे दी। अपने मरीज की जान बचाने के लिए मरीज के परिजनों ने गर्भवती महिला को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने किसी तरह ऑपरेशन कर मृत बच्चे को बाहर निकाला। वहीं जब शिवम हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है और सरकारी पद पर आसीन होने के बाद भी बलिया जनपद में तैनात माधुरी सिंह कैसे नर्सिंग होम चला रही हैं, यह एक बड़ा सवाल है। वहीं एक संबंध में डॉक्टर माधुरी सिंह कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। शहर के बीचों बीच चल रहे शिवम नर्सिंग होम एवं बलिया जनपद में तैनात सीएमएस डॉक्टर माधुरी सिंह की करतूत से आहत होकर पीड़ित महिला के परिजनों ने जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को उप नर्सिंग होम एवं उसकी संचालिका डॉक्टर माधुरी सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत की। जिलाधिकारी ने शिकायत पत्र को सीएमओ डॉक्टर सतीश चंद्र सिंह को भेज पूरी तफ्तीश कर कार्यवाही। हमारी बहू का डिलीवरी होना था, जो नित्य पूरा 9 महीना शिवम नर्सिंग होम माधुरी सिंह यहाँ से ट्रीटमेंट चलता रहा। 12 तारीख को शाम को समय पूरा होने को उन्होंने भर्ती ले लिया, इंजेक्शन लगा दी परसों पीड़ा वाला, कॉन्ट्रैक्ट नर्स के जिम्मे उसको छोड़ करके अपने ऊपर सोने चली गई। सुबह 5 बजे आ गई, मैंने कहा कि करा रही है आप डिस्चार्ज कर दीजिए। उन्होंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, घबराइए नहीं, फिंगर खुल गया है, नॉर्मल डिलीवरी में करा लूँगा 1 घंटे में। या करते 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 वह 12:30 बज गया। 1 बजे जब वह बच्चे का हलचल रुक गया तो बहू चूँकि MSC है, उसने कहा कि डॉक्टर मेरा जान तो तुम ले लोगी, बच्चा तो तूने ले लिया, मेरा तो कम से कम निकाल लो। तब वह तुरंत हमको बुला के कहीं कन्या किसी अन्य हॉस्पिटल ले जाएंगे। मैंने कहा क्यों जल्दी फाड़ के निकालो, वहाँ पर भर्ती करने में समय लगेगा, भाई हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। फिर मैं लेकर के आशीष नर्सिंग होम गया, वहाँ उसका अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चा मरा हुआ है, 1 घंटा के अंदर ऑपरेशन नहीं होगा तो आपकी बहू भी मर सकती है, 1 घंटा पहले आ पाए होते तो बच्चा बच गया होता। पेट फाड़ करके बच्चा निकाला गया, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, उन्होंने तुरंत कप्तान साहब को CMO को लिखा, मैं कोतवाली को दिया, मुझे न्याय चाहिए। माधुरी सिंह ने मार डाला, CMS है बलिया में, यहाँ पार्ट टाइम काम करती है, वो हॉस्पिटल चलाती है। मेरा निवेदन है आने वाले समय में, इन्हें सबक नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में पता ना कितनी महिलाओं का गर्भ में या बच्चे शहीद कर दी करवा रही हो, तैयार हो तो हमारे बच्चे को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। थैंक यू। हाँ, हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है और जो हमारी नोडल है उससे हम जांच करा रहे हैं और जो भी ये सामने आती है।